बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी कोर्स कोड MT 633। हमने इसके 14 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। होप सो के वो टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम टॉपिक नंबर 15 to 19 कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 15 है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप्स की। सारी बात, हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमारा जो पूरे का पूरा कोर्स है, उसमें कहीं ना कहीं पे हर एक टॉपिक में हम ग्रुप्स की बात करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 15, उसमें हमने पढ़ना है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप के। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम है, लेट जी बी अ ग्रुप के, अगर जी एक ग्रुप है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, यानी कि कोई भी एक आपको ग्रुप गिवन है जी, और उसके कोई भी दो एलिमेंट है जिनको ए और बी कहा गया, और वो जी से बिलोंग करते हैं। वी हैव ए स्टेरिक बी प्राइम, यानी कि होल प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम स्टेरिक ए प्राइम। अब ये जो स्टेरिक है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है आपके पास, एडिशन का हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, या किसी का भी हो सकता है। जैसे कि आपने अपने 6th 7th क्लास से ही आपने डिमॉर्गन्स के ला पढ़े थे, वहाँ पे आपने जूनियर और इंटर सेक्शन पढ़ा था। इसी तरह से वहाँ पे यही जो टर्म्स से यूज़ होती थी कि ए यूनियन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटर सेक्शन बी प्राइम। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट इसी तरह की है। अगर आप उसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करें तो ए स्टेरिक बी होल प्राइम इज इक्वल टू बी स्टेरिक बी प्राइम स्टेरिक ए प्राइम। तो इसका प्रूफ जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मली। नोट दैट इन अ ग्रुप जी वी हैव, जो दो एलिमेंट हमने लिए हैं वो हमने क्या लिया था, ए और बी लिया था, ए स्टेरिक बी स्टेरिक बी प्राइम स्टेरिक ए प्राइम। ठीक है, ये हमने इसका क्या लिया था, जो हमने एलिमेंट लिए थे उनको हमने इस तरह से एक स्टेटमेंट में डिनोट किया है। एक साइड पे हमारे जस्ट वो एलिमेंट आए हैं ए और बी, और जो स्टेरिक के बाद, यानी कि कोई भी फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमने लिखे हैं एलिमेंट्स, वो हमने प्राइम के साथ लिखे हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि पैरेंथेसिस को हम अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से आती हैं, आपको पता हो कि किस तरीके से इनको हम अरेंज करेंगे, ए स्टारक इनटू, अब अगर हम बी स्टारक और बी प्राइम को एक साथ रख दें तो क्या आपके पास आ जाएगा बी स्टारक और बी प्राइम। आपको पता है कि ये आपका किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी ई के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे आप ई लगा देंगे। एंड देन अगेन से जो आपका ई है, जब वो ए स्टारक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ए स्टारक आ जाएगा, एंड ए स्टारक दोबारा से जब आपका ए प्राइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देन अगेन से आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ थी यहाँ पे इसके प्रूफ में। आगे चलें तो आगे हम देखते हैं ये और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब इसी थ्योरम के बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि इट शो दैट बी स्टेरिक बी प्राइम स्टेरिक ए प्राइम इज़ द यूनिक इनवर्स ऑफ ए स्टेरिक बी। ठीक है, जो ए, ये जो प्राइम के आपको साइन है, इनका मतलब है कि ये क्या है, इनवर्स हैं जो आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे उनके। तो इसको हम इस तरीके से फिर लिख सकते हैं, ए स्टेरिक बी का होल प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम स्टेरिक ए प्राइम। ओके, आगे चलो तो एक और आपके पास थ्योरम है। यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एनी स्मॉल एन बिलोंग टू एन, यानी कि ये जो एन है, ये आपको कोई भी एक दिया गया सेट है, और ये जो आपका स्मॉल एन है, ये आपने उस एन का एलिमेंट लिया है, तो ये किसके इक्वल होगा कि अगर क्या हो, ए की पावर एन का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू एन की इक्वल है। ओके, कि पहले आप अपने पावर्स को लिखें, जितनी आपने टर्म्स ली हैं उसको लिखें, उसका इनवर्स, यहाँ पे पहले इनवर्स लेने के बाद ऊपर से उसके पावर्स को अप्लाई कीजिए, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम प्रूफ। बाय डेफिनेशन ए एन इनवर्स इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ जी हुज प्रोडक्ट विद ए एन इज एनी ऑर्डर, यानी कि एन की जगह पे हमारी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर हम एसोसिएटिव लॉ को देखें तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से अरेंज किया, ए एन ए की पावर एन स्टेरिक ए माइनस ए इनवर्स होल पावर एन इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को यूज किया है, ए एन माइनस वन स्टेरिक ए एंड स्टेरिक ए इनवर्स स्टेरिक। अब यहाँ पे जो चीज़ आई है,
इसको हमने क्या किया, एन की जो वैल्यूज थी उन्हीं को हमने अरेंज किया है ए इनवर्स, एंड जो एन था हमारे पास उसमें से हमने एक टर्म को डिक्रीज कर दिया है, यानी कि एन माइनस वन हमने ले लिए। ओके नेक्स्ट स्टेप पे चलें, तो नेक्स्ट स्टेप में सिंपली ए इनवर्स स्टेरिक, अगर उसके बाद ये जो हमारा बे है इसको अब हमने आगे मिला दिया इसकी पैरेंथेसिस को, इसके ऊपर अगर हम पैरेंथेसिस को अप्लाई करें ए स्टारेक इनटू ए इनवर्स स्टारेक, ए इनवर्स आगे जो टर्म है वो बिल्कुल सेम वही हमने नीचे लाई है, देन अब हमने ए को और ए इनवर्स को हमने जो है वो कंबाइन किया है, एक हमने पैरेंथेसिस में इसको लिखा है और इसकी जगह पे फिर हमने क्या किया एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई जो है वो डिफाइन कर दिया, एंड देन हमने क्या किया एट द एंड दोबारा से ए एन माइनस वन एंड ए इनवर्स और इसकी होल पावर क्या थी हमारे पास एन माइनस वन थी। तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे देखनी थी जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन थी कि ए एन होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एंड एन, और उसी चीज़ को जब हमने फॉर्मली इसका प्रूफ देखा तो हमारे पास ये चीज़ प्रूफ होके आ जाएगी जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो हमारी टर्म है ये वाली जो टर्म है इसको हम इस तरीके से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और बाकी अगले वाली इसके टर्म्स को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके आगे कहते हैं कि विच बाय इंडक्शन ऑन एन इक्वल्स ई देन केसेस एन इक्वल टू जीरो, कि अगर इस तरह का कोई केस हो एंड एन इक्वल टू वन आर ट्रिवियल, तो यहाँ पे जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, यानी कि जब अब हम यहाँ पे इस फार्मूले में एन की कोई भी वैल्यूज़ को रखें, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके हम किसी भी इटरेशन तक इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से कहता है कि जब इसकी वैल्यूज़ को एन की वैल्यू को जीरो और एन इक्वल टू वन रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए एन एंड ए इनवर्स की होल पावर एन इन द ऑर्डर इन द अदर ऑर्डर द दिस प्रूव दैट, यानी कि ये प्रूव करता है कि जो हमारे पास ए इनवर्स होल एन है इज़ द इनवर्स ऑफ एन, यानी कि ए एन यानी कि ए की पावर जितनी भी आप लेते जाएंगे वो आपके पास इसका इनवर्स आएगा। ये इस तरह के थ्योरम आपके पेपर्स में नहीं आते हैं, लेकिन इस चीज़ को एक दफ़ा आपने जो है वो देख लेना है ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बार बार यूज़ किया गया है इसकी फॉर्मल टर्म को निकालने के लिए, इसका थ्योरम जो है वो प्रूव करने के लिए। ओके आगे चलें, तो अब हमने देखने के ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस की, अगर हमारे पास मैट्रिसेस आ जाएं तो फिर हमारा ग्रुप जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले कहता है कि इस एम जो एक मैट्रिक है यहाँ पे, ये जो एम है इसका मतलब है कि ये आपका मैट्रिक है, एंड ये नीचे एम क्रॉस एन मतलब इसका ऑर्डर है, ये रियल पॉजिटिव नंबर में कहते हैं कि क्या ये एक ग्रुप है। तो इसको हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो आपको ए आई जे और बी आई जे कह रहा है, ये इसने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हैं ग्रुप्स के, जो ग्रुप हमें दिया गया था रियल नंबर का उन्हीं में से हमने क्या किया है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिया है। ये बेशक आप जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप जो है वो मैट्रिक्स जो है वो ग्रुप होते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो ग्रुप नहीं होती। तो ग्रुप की जो बेसिक डेफिनेशन है, कोई भी जो आपको गिवन डाटा दिया गया होगा उसको ग्रुप तब कहेंगे कि वो क्लोज भी हो, वो एसोसिएटिव भी हो, और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और वो कम्यूटेटिव भी हो, तो वो पूरा जो है उसको एक ग्रुप कहेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे पास दिए गए होते हैं सेट वो जो है वो आपके होते हैं ग्रुप, लेकिन रियल नंबर अगर आपको दिए जाएंगे तो वो आपके ग्रुप होंगे, लेकिन इसी में अगर मल्टीप्लीकेशन को देखा जाए तो वो ग्रुप नहीं होते। इसके कुछ एग्जांपल्स को मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सॉल्व किया, तो पहले उन एग्जांपल्स को भी देखते हैं और साथ में अपने हैंड रूल्स को भी देखते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरीके से देखेंगे। ये देखिए कि अगर जो है वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है कि सबसे पहले इसके ऊपर देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले ली है कि कोई भी एक मैट्रिक है उसको हमने 2x2 का मैट्रिक लिया है, और इसमें हमने जो है वो तीन मैट्रिक्स लिए हैं ए बी और सी। ए के मैट्रिक में हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4, बी के मैट्रिक में हमने एलिमेंट लिए 2 3 4 5, एंड सी के मैट्रिक में हमने एलिमेंट लिए 1 3 2 5। और सबसे पहले हमने क्या किया, जब हमने इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को करना था तो प्रूव करना था, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी हम अगर सेट हो तो उसके कोई भी दो एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें
हमारे पास जो सेट आंसर आएगा वो भी उसी सेट से बिलोंग करता जो हमें दिया गया होगा। तो अगर हम ए और बी के मैट्रिक्स को ऐड करें तो जो उनका सॉल्यूशन आएगा जब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, मैट्रिक्स को ऐड करना तो आपको आता ही होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक को ऐड करने के लिए। तो अब सामने वाले एलिमेंट को सामने वाले एलिमेंट में ऐड कर देते हैं। 1 + 2 आपके पास यहाँ पे 3 आ गया, 2 + 3 जो है वो आपके पास यहाँ पे 5 आ गया, 3 + 4 आपके पास यहाँ पे 7 आ गया, एंड 4 + 5 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर हमारे पास 3, 5, 7 और 9, तो इट्स मीन के क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है दिए गए ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये 1, 2, 3, 4 है, तो मैंने जस्ट एज एग्जाम्पल लिए। लेकिन अगर कोई भी आप एलिमेंट लेंगे रियल नंबर में से अपने मैट्रिक्स में, तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, a+b+c इज इक्वल टू a+ × b+c, यही आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आपने डिटेल से पहले पढ़ ली है। तो यहाँ पे हम क्योंकि मैट्रिसेस की बात करें तो हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल जो है वो हमने यूज किए हैं। तो यहाँ पे a+b पहले हमने कर लिया, ए के और बी का जो मैट्रिक था उन दोनों को पहले हमने ऐड किया, और फिर उसमें जो है वो हमने सी का मैट्रिक ऐड किया, और सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, पहले हमने b+c किया और देन जो है वो हमने उसमें सी का जो मैट्रिक ए का मैट्रिक है उसको ऐड किया। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे a+b के जब मैट्रिक को ऐड किया तो हमारे पास ये आया, एंड देन इन दोनों मैट्रिक्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आया जी लेफ्ट हैंड साइड। एंड सेम इसी तरीके से जब हम राइट साइड पे आए तो राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, पहले b+c का जो हमारा मैट्रिक्स थे ये दोनों मैट्रिक्स इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया था, और इसमें जब हमने a के मैट्रिक को ऐड किया था तो हमारे पास सेम वही सोल्यूशन है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आया था। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि हिंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड फॉर द मैट्रिक्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, कि अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के लिए भी होल्ड करती है। उसके बाद इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे चले जाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिव इनवर्स जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका हमेशा जीरो होता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट आपने लेना होता है जिसको उसमें ऐड करने से वो एलिमेंट खुद वापस आ जाए। तो यही हमने चीज पढ़ी थी, a+0 = a एंड 0+a। तो 0 यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है, नल मैट्रिक लेना है। तो हमने नल मैट्रिक ले लिया, जिस ऑर्डर का हमें यहाँ पे मैट्रिक गिवन था उसी ऑर्डर के साथ में हमने नल मैट्रिक लिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास दोनों साइड पे आंसर सेम आया, तो इट्स मीन के ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद इसी तरीके से इसका इनवर्स देख लेते हैं कि इनवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ हमने उसके साथ ऐड करनी होती है कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास जीरो होती है। तो इसका इनवर्स जब हम ऐड करेंगे तो सिंपली हमें जो वैल्यूज पॉजिटिव में दी गई होंगी उसके नेगेटिव वैल्यूज को हम सिंपली इसमें ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे दोनों मैट्रिक्स की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी है, तो दोनों जो है वो जीरो आ जाएंगे। तो इट्स मीन के इनवर्स भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। एंड सो वी कैन से दैट ऑल द मैट्रिक्स ए आई जे विद ऑर्डर एम क्रॉस एन फॉर्म ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। यानी कि कोई भी आप नंबर ले लें, कोई भी एलिमेंट ले ले, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक हो, और वो मैट्रिक जो है वो जब आप उसको अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या होगा, एक ग्रुप जो है वो बनाएगा। तो यही चीजें थी जो आपको यहाँ पे ए आई जी बी आई जी और सी आई जी की फॉर्म में दी गई है। इसी को मैंने आप सबको आसान करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको सिंपली जो है वो मैंने एज एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो कुछ और इम्पोर्टेंट दो तीन चीज़ें कि अगर आप इंटीजर्स को लें वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो देन आपका जो मैट्रिक है वो भी एक ग्रुप होगा। और इसी तरीके से अगर आप रैशनल नंबर को लेते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर को, तो वहाँ पे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि वो भी आपका ग्रुप है। और इसी तरीके से आप अगर जो है वो सी जो कॉम्प्लेक्स आपके नंबर है उनको भी आप लेते हैं तो उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि वो आपका क्या है, एक ग्रुप है। आई होप सो के ग्रुप्स ऑफ मैट्रिक्स की आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सिंपल सी चीज़ें, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कहता है कि फील्ड क्या है ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स ही, लेकिन फील्ड क्या है कि हम जो है वो दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन को एक ही मैट्रिक के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसने अभी हमें दो ऑपरेशन दिए हैं फील्ड में, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी दी है और साथ ही उसमें मल्टीप्लीकेशन भी दी है। तो यहाँ पे जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ लिया है।
आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी। यहाँ पे एक छोटी सी और बात आपको बताती चलूँ कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। कोई भी ग्रुप एबिलियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जब आप उसके ऊपर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। तो जो भी ग्रुप आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो उस ग्रुप को आप एबिलियन ग्रुप भी कह सकते हैं। और उसके अलावा इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को भी होल्ड करता हो, लाइक क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, उसके बाद आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और वो कम्यूटेटिव भी हो, तो देन उस ग्रुप को आप क्या कहेंगे कि वो आपका एबिलियन ग्रुप होता है। ओके, तो यहाँ पे फरॉल ए बी सी बिलोंग टू एफ, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सिंपली आपने क्या किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड पहले आप ए प्लस बी करके देन सी से करें, तो देन आपका जो इनका आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पे वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई कि आप इंटीजर्स को ले लें, पॉजिटिव इंटीजर्स को, वो भी आपके पास ग्रुप है। पॉजिटिव रैशनल नंबर को ले लें, वो भी आपके पास ग्रुप है। और फिर वही बात कहते हैं कि अगर आप रैशनल नंबर में से जीरो को एक्सक्लूड कर दें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो वो भी आपके पास ग्रुप है। रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, वो भी आपके पास ग्रुप है। रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास ग्रुप है अगर आप उसमें जीरो को इंक्लूड ना करें। सेम इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास ग्रुप है एंड कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास ग्रुप है अगर आप उसमें से जीरो को एक्सक्लूड कर दें तो। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं कि एबिलियन ग्रुप क्या है। एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कोई भी ग्रुप एबिलियन ग्रुप तब होगा जब आप क्या कहेंगे कि आपका जो मेट्रिक है, जो भी आपको ग्रुप दिया गया है, वो क्या होगा, आपका कम्यूटेटिव होगा, देन आप उसको कहेंगे कि वो आपका एबिलियन ग्रुप है। यहाँ पे इसने क्या किया, लेट एफ इज इक्वल टू आर आर सी, यानी कि एफ इज इक्वल टू या तो इसने रैशनल नंबर लिए हैं या फिर क्या किया इसने कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं। लेट ए आई जी बी द मैट्रिक ओवर एफ, आल ए आई जी बिलोंग टू एफ। लेट जी एल एन एफ डिनोट द सेट ऑफ आल एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक ओवर एफ, यानी कि कोई भी आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक जो है वो दिया गया एन क्रॉस एन का मैट्रिक, यानी कि ऑर्डर सेम है मैट्रिक का, उसको इसने डिनोट किया जी एल एन एफ से। अब कुछ दो प्रॉपर्टीज हैं, द जनरल सेट ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक इज नॉट अ ग्रुप अंडर द मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक का एक ऑर्डर है तो वो आपका जो है वो जनरली एक ग्रुप नहीं होता। बट जी एल एन एफ इज अ ग्रुप अंडर द मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अगर आप जो है वो इस तरह से मैट्रिक को लें कि वो आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक हो और वो क्या हो, जी एल एन एफ की तरह उसको आप परफॉर्म करें, तो देन उसको आप अंडर मल्टीप्लीकेशन भी मैट्रिक जो है वो कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सियम्स है, मीन्स के प्रॉपर्टीज हैं। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना भूल गई कि जी एल का क्या मतलब है। जी एल का मतलब ये है कि आपके पास जो आपको ग्रुप दिया जाएगा वो क्या, कौन सा ग्रुप होगा, जनरल लीनियर ग्रुप होगा ओवर द फील्ड, ठीक है। एफ जो है वो आपके फील्ड को डिनोट करता है और एन जो है वो आपका जो मैट्रिक होगा उसके जो एलिमेंट्स आप लेंगे, एन के जगह पे आप 1 2 3 4 5, यानी कि जिस भी ऑर्डर का आपने मैट्रिक लेना है उस मैट्रिक का ऑर्डर आपके पास यहाँ पर डिफाइन होगा। और एफ भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे आपके पास रियल नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स आ सकते हैं, या फिर कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसने एग्जियम में क्या लिया है, जी इक्वल टू जी एल एन एफ, यानी कि जनरल लीनियर ग्रुप इसने लिया है फील्ड का। इस सबसे पहले इसके ऊपर क्या होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे जो बात हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इस वाले ग्रुप में हो रही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए कि अगर ए और बी को दो मैट्रिक हम लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपके पास आंसर उसी ग्रुप में से ही आना चाहिए जो कि आपको गिवन होगा। उसके बाद उसकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करनी चाहिए, देन आइडेंटिटी मैट्रिक होल्ड करना चाहिए एंड देन फिर इनवर्स करना चाहिए होल्ड, और इन्वर्टिबल सो इनवर्स एग्जिस्ट। अगर जो है वो आपके मैट्रिक इन्वर्टिबल होंगे तो फिर आपका जो है वो वहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि लेट जी इक्वल टू जी एल जी एल इंटू टू आर। अब मैंने वही बात आपको बताई कि एन की जगह पे आपका मैट्रिक का ऑर्डर आएगा और एफ की जगह पे आपका वो नंबर आएगा, वो आपका आएगा कोई भी आपको दिया जाएगा कि आपने रैशनल नंबर लेने हैं, आपने रियल नंबर लेने हैं, आपने कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं या फिर आपने इंटीजर्स लेने हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जी एल इंटू टू आर, यानी कि आपका जो ऑर्डर है मैट्रिक का वो टू होना चाहिए और आपके रियल नंबर आपके यहाँ पे आएंगे। एंड ए बी बिलोंग टू जी सच दैट, यहाँ पे अब इसने कोई भी दो मैट्रिक ले लिए हैं ए और बी, और इन दोनों को पहले इसने क्या किया मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को इसने क्या किया
ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया, देन इसने क्या किया, बी ए को मल्टीप्लाई किया, तो ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो देन हम इसको ग्रुप नहीं कह सकेंगे, ठीक है। बाकी अगर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करते भी हैं लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। हमने देखा है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने से अक्सर जो हमारे आंसर्स हैं वो सेम नहीं आते। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी जो प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट जी स्टारक बी अ ग्रुप इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए स्टारक बी इक्वल टू बी स्टारक ए, वी कॉल जी एन अबेलियन ग्रुप। कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ए स्टारक बी इक्वल टू बी स्टारक ए, तो देन इसको हम क्या कहेंगे, अबेलियन ग्रुप कहेंगे। यहाँ पे इसने एन जेड मतलब कि एन की जगह पे कोई भी आप इंटीजर्स ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे क्योंकि इसने आगे में बता दिया कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। देन क्यू माइनस यानी कि क्यू जो आपके रैशनल नंबर उनमें से अगर आप जीरो को एक्सक्लूड कर दें तो देन उसको भी आप अबेलियन ग्रुप जो है वो प्रूव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल देखी थी रियल नंबर पॉजिटिव और उसमें से जीरो को एक्सक्लूड करके, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर विद उसमें से माइनस करते हैं अगर हम जीरो को, तो उसको भी हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव कर सकते हैं कि वो एक ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें तो अब इनवर्स को चेक कर लेते हैं कि इनवर्स भी इसी तरह से हम फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा कि कोई भी अगर मैट्रिक हो 2+2 का मैट्रिक हो तो उसका जो इनवर्स लेते हैं वो आप कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ कोई भी जो मैट्रिक आपको दिया गया होगा वो मैट्रिक आता है। अब एडजॉइंट आप कैसे फाइंड करते हैं, आपके ये जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह चेंज होती है और ये जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं उनके आपके साइन चेंज होते हैं, और डिटरमिनेंट लेने के लिए आप क्या करते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, अपना जो भी मैट्रिक आपको दिया गया होता है उस मैट्रिक को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करें तो 2 1 2 दरमियान में आपका माइनस आता है, तो आगे तो आएगा ही जीरो, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो इसने लिखा है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 इन 2 आ गया आपका जॉइंट आ गया 2 1 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इन्वर्स भी फाइंड हो गया। देन जी एल ये भी आपके रैशनल नंबर से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल नंबर अगर आप इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1/2 1/2 आएगा, और इसको हम जो है वो रैशनल नंबर डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे एबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन है। एबेलियन ग्रुप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये थ्योरम है, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लें। इफ ए स्टारक बी इक्वल टू बी स्टारक ए, देन फॉर ऑल एनी वन एन बिलोंग टू जी, ए स्टारक बी की पावर एन इक्वल टू ए एन स्टारक बी, यानी कि इन दोनों को एक साथ आप अप्लाई करें या फिर अलग अलग अप्लाई करें, ये होल्ड करेगा और जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उसको आप कहेंगे कि वो आपका एबेलियन ग्रुप है। फिर इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी उसी थ्योरम को प्रूव किया गया है, ये वही चीज़ है जो हमने पहले कर ली है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है बार बार, और पैरेंथेसिस को हमने रीअरेंज किया और जो आइडेंटिटी एलिमेंट थे उनको हमने लगा के इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया है कि ए स्टारक बी होल पावर एन इक्वल टू ए स्टारक ए एन स्टारक बी एन। ओके आगे देखें तो इफ़ एन इज़ लेस देन जीरो देन बाय पॉजिटिव केस एंड कम्यूटेटिविटी, इसको अगर हम देखें तो ए स्टारक बी की होल पावर एन है तो बी स्टारक ए भी हम इसको लिख सकते हैं। देन बी स्टारक ए जब आएगा तो इसकी जो पावर्स हैं उसको हमने इंक्रीज किया माइनस एन एंड माइनस वन, देन माइनस एन और माइनस वन को अलग अलग बी के ऊपर और ए के ऊपर अप्लाई किया, देन जो हमारा माइनस वन है वो एन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो ए स्टारक ए एन स्टारक बी एन स्टारक में हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप सो कि ये पूरे का पूरा लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे, जितने भी टॉपिक आज के लेक्चर में हमने क्लियर किए हैं। एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि ग्रुप्स क्या होते हैं। कोई भी आपको जो एलिमेंट दिया गया होगा, जो भी आपको सेट दिया गया होगा, अगर वो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कि वो क्लोज भी है, वो एसोसिएटिव भी है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, वो कम्यूटेटिव भी है, तो देन आप उस पूरे को क्या कहेंगे। ज़्यादा ग्रुप के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोज्ड सॉरी एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और वो क्लोज भी होना चाहिए, वो आपका ग्रुप होगा। और अगर ये चारों प्रॉपर्टीज इसके ऊपर सेटिस्फाई करें किसी ग्रुप के ऊपर और उसमें कम्यूटेटिविटी भी आ जाए तो देन उसको आप कहेंगे कि वो आपका एक एबेलियन ग्रुप भी होता है। उसके अलावा हमने मैट्रिक्स को सॉल्व किया,
दो मेरिट जो आपका पेपर है उसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते कि ये जैसे यहाँ पे एक थ्योरम था या इस तरह से यहाँ जैसे एग्जांपल्स हैं जहाँ वहाँ पे आपको सिंपली मैट्रिक्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये आपका ग्रुप है या नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको जो एग्जाम्पल करके दिखाई है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।